हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन IBRD और ITA के बारे में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ग्रुप का मतलब है कि इसके अंदर कोई और इंस्टीट्यूट्स भी आते हैं। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक जो है उसको अगर फादर मान लिया जाए तो उसके 5 सन्स हैं, मतलब कि 5 बेटे हैं उसके, उसके अंदर 5 इंस्टीट्यूट्स आते हैं। इंडिया वर्ल्ड बैंक के इन 5 इंस्टीट्यूट के बीच में से 4 का मेंबर है। सिर्फ एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसका वो मेंबर नहीं है, वो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसका मेंबर नहीं है इंडिया। बाकी 4ों का IBRD, IDA, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इन 4ों का इंडिया मेंबर है। अब अगर हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की बात करें बैंक से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, तो उसमें इंटरनेशनल एजेंसीज के बारे में बहुत पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एजेंसीज हैं। इनके ऑब्जेक्टिव को जब हम अकेले अकेले याद कर लेते हैं तो हमें याद हो जाता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में एक इकट्ठा क्वेश्चन आता है देन यू विल गेट कन्फ्यूज, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं लगता कि इसके फीचर्स क्या थे, इसके क्या थे। तो मैं अपने इस सीरीज़ में कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक कवर करवाऊँ, लेकिन एक कम्पिटेटिव फॉर्म में, कंपैरिजन करके, ठीक है। मैंने अपने चैनल पर पीछे एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF के डिफरेंस को हमने किया था, समझा था, और ये वीडियो डिफरेंस बताएगी इन 2 फर्स्ट इंस्टीट्यूट्स के बीच में, यानी कि IBRD और IDA के बीच में डिफरेंस को। आइए स्टार्ट करते हैं इसके बीच के डिफरेंस को। वर्ल्ड बैंक, जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो उसका मतलब ही है 2 मेन इंस्टीट्यूट्स IBRD एंड IDA। ये कह लीजिए कि वर्ल्ड बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जाता है इन 2 इंस्टीट्यूशन की हेल्प से। और ये 2 इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, लो इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं उन कंट्रीज़ को जो कंट्रीज़ डेवलपिंग स्टेज में हैं, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है, उस कंट्री की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम है इन दोनों ही इंस्टीट्यूट का। ये इंस्टीट्यूट सपोर्ट करती है, हेल्प करती है इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में। किसी भी कंट्री में अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट लगा है जिस प्रोजेक्ट से कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट होगी, तो उस प्रोजेक्ट में ये दोनों आपको क्या कर सकती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकती हैं। जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं ना, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की नहीं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, तब हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। मतलब कि बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है मेन, वो कौन प्रोवाइड करता है, IBRD। और दूसरी तरफ है हमारे पास इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले IDA, IDA एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन IBRD जो है वो एक डेवलपमेंटल बैंक है। डेवलपमेंटल बैंक जो है वो कैसी कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, रिस्क मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, एडवाइसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा किन्हें, मिडल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज़ को। ये वर्ड्स याद कर लीजिए, ये सिर्फ आपको IBRD में दिखेंगे, IDA में नहीं। क्यों? क्योंकि IDA जो है उसका मेन पर्पस है
पुअर कंट्रीज़ को, जो कि बहुत गरीब कंट्रीज़ है, उनको लोन प्रोवाइड करना। और कौन सा लोन प्रोवाइड करना? सॉफ्ट लोन। सॉफ्ट लोन का मतलब कि इस पर कंडीशंस वगैरह लोन ग्रांट करने की बहुत ही कम होती है इन केस ऑफ आईडीए। दोनों के बीच में डिफरेंस ही यही है। आईबीआरडी जो है इसमें थोड़ी सी हार्ड कंडीशंस होती हैं, लेकिन आईडीए में कंडीशन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो आईडीए एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आईबीआरडी एक क्या है, लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, जो कि वर्ल्ड बैंक के जितने भी मिशन हैं, लोन प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना, रिस्क मैनेजमेंट करना और एडवाइजरी सर्विस देना, किन्हें? मिडल इनकम ग्रुप और क्रेडिट लो इनकम कंट्रीज़ को। नेक्स्ट है हमारे पास, देख लेते हैं कि ये कब एक्जिस्टेंस में आया। आईडीए जो है उसको 1960 में बनाया गया था, और आईबीआरडी जो है इट कम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1944। तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर आया हमारे पास आईबीआरडी, फिर आया आईडीए, ये सेकंड नंबर पर हमारे पास आया। मेंबर कंट्रीज़ में भी डिफरेंस है, यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ है 189 और यहाँ पर मेंबर कंट्रीज़ है 173। इसका मतलब मेंबर कंट्री ज़्यादा किसकी है? आईबीआरडी की। बाकी जो है इनका सेम है, हेडक्वार्टर जो है वो भी सेम जगह पर है, बट इनके पर्पस जो है ना उसमें जो है फ़र्क है, डिफरेंस है। पर्पस क्या है? डेवलपमेंट एंड पावर्टी रिडक्शन। मैंने कहा ना, गरीबी से रिलेटेड, पावर्टी से रिलेटेड है आपका आईडीए, और ये जो है इट इज़ रिलेटेड विद डेवलपमेंट। इसमें मेन चीज़ है डेवलपमेंट करना, पावर्टी रिडक्शन करना, लेकिन ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करते हुए। इवन किसी को अगर लोन चाहिए होगा तो गवर्नमेंट की गारंटी भी देनी पड़ती है आईबीआरडी के केस में। करते हैं हम धीरे धीरे इसको डिस्कस। तो यहाँ से इस स्लाइड से हमें ये पता लगा कि इनके मेंबर्स जो हैं उनमें भी डिफरेंस है। 189 मेंबर जो हैं वो आईबीआरडी के केस में है। ठीक है, नेक्स्ट है आईडीए एक कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सहायता करता है किसकी? आईबीआरडी की। मेन वर्ल्ड बैंक की जो ओरिजिनल लैंडिंग आर्म है, मेन वर्ल्ड बैंक के पर्पस को पूरा करने का जो काम करता है वो आपका आईबीआरडी करता है, लेकिन आईडीए जो है वो क्या करता है? आईबीआरडी को हेल्प करता है, यानी कि इसको हेल्प करता है हमारा आईडीए। मेन जो है वो हमारे पास है आईबीआरडी। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस है द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है, वर्ल्ड बैंक जो है यानी कि आईबीआरडी जो है उसको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है वो मार्केट रेट के ऊपर, लेकिन आईडीए जो है वो बहुत ही कम इंटरेस्ट, इवन बहुत सारे केसेस में कंट्रीज़ को ग्रांट प्रोवाइड कर देता है, इंटरेस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेता। फिर रीपेमेंट ऑफ लोन, जो आईडीए है उसके केस में रीपेमेंट जो है बहुत लॉन्ग पीरियड, ये आपको ना ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड कर देता है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड बैंक। जब भी मैं वर्ड यूज़ करूँगी वर्ल्ड बैंक, इसका मतलब आईबीआरडी की ही बात हो रही है, क्योंकि आईबीआरडी को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उसी को वर्ल्ड बैंक ही कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ रीपेमेंट। जब आपने, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इवन किसी भी एग्ज़ाम में इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वर्ल्ड बैंक जो है ना, जब एक बार आपने उनसे पैसे ले लिए, दोबारा जब रीपेमेंट करनी है तो रीपेमेंट आप SDR में करोगे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, मतलब कि एक स्पेसिफिक करेंसी होती है, सिर्फ उसी करेंसी में आपको रीपेमेंट करनी है। लेकिन आईडीए के केस में आप रीपेमेंट अपनी कंट्री की करेंसी में भी कर सकते हो, लोकल करेंसी जो है उसमें भी आप पेमेंट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आईडीए से
इंडिया ने लोन ले लिया तो जब वापस करेगा तो डॉलर में रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडियन रुपी में भी लोन को रीपे कर सकते हो। लेकिन ऐसी फैसिलिटी वर्ल्ड बैंक नहीं देगा, आपको स्पेशल ड्राइंग राइट्स में या फिर प्रिंसिपल करेंसी में ही रिटर्न करना पड़ेगा। अब स्पेशल ड्राइंग राइट जो है इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड ज़रूर करूँगी अपने चैनल पर। नेक्स्ट है गारंटी। द वर्ल्ड बैंक लोन रिक्वायर्ड द गारंटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द मेंबर नेशन व्हाइल लैंडिंग लोन। किसी भी कंट्री को अगर लोन दिया जा रहा है तो वहाँ की गवर्नमेंट गारंटी देगी वर्ल्ड बैंक को कि इस पैसे को हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ही लगाएंगे, इस पैसे को हम इतने टाइम पीरियड के बाद रिटर्न कर देंगे। लेकिन इस तरह की गारंटी की ज़रूरत आईडीए के केस में नहीं होती। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशंस ऑफ द लोन। कंडीशन लगा देना, लोन तभी हम देंगे आपको अगर आप डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में पैसे लगाओगे, और ये कंडीशन वर्ल्ड बैंक के केस में होती है, आईडीआई के केस में ये कंडीशन नहीं होती। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो।